बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे, और मैं हूं आपका होस्ट काजी उज़ैर। और आज हम बात करेंगे, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहे हैं हम। क्रिकेट पे भी बात होती है, फुटबॉल पे भी बात होती है, बहुत सी गेम्स पे, लेकिन इन तमाम खेलों को हम एक ही दरिया को कूजे में बंद करेंगे, एंड दैट इज स्पोर्ट्स राउंड अप विद काजी उज़ैर। एक बिल्कुल न्यू प्रोग्राम है जिसमें क्रिकेट की बात होगी, फुटबॉल की बात होगी, हॉकी की बात होगी, बास्केटबॉल की बात होगी, पूरी दुनिया में जो खेल होते हैं, चाहे ओलंपिक्स है, इलाकाई खेल हैं, आपकी फोक गेम्स हैं, नेशनली, रीजनली या इंटरनेशनली जितनी गेम्स हैं, वो तमाम की तमाम आपको देखने को मिलेंगी एक सिर्फ एक जगह पे, एंड दैट इज स्पोर्ट्स राउंड अप विद काजी उज़ैर। तो चलिए शुरू करते हैं इस हवाले से आज का हमारा पहला प्रोग्राम। और पहले प्रोग्राम में मेरे पास शुरू में कुछ न्यूज़ हैं, मैं वो आपको बता दूं, और उसके बाद फिर हम इन न्यूज़ के हवाले से आगे डिटेल में बात करेंगे। पहली न्यूज़ मेरी क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट में आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है मोहम्मद आमिर का, पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। न्यूज़ क्या है जी, आयरलैंड वीज़ा इश्यूज पुट मोहम्मद आमिर पार्टिसिपेशन इन डाउट्स, नो क्लैरिटी ऑन द रीजंस बिहाइंड डिले, सेटबैक लीव्स आमिर एज द ओनली स्क्वाड मेंबर हु डिड नॉट ट्रेवल टू डबलिन ऑन ट्यूजडे। मंगल को पाकिस्तानी टीम जो रवाना होगी उसमें मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसकी क्या वजह बन सकती है, आगे चल के प्रोग्राम में बात करते हैं। दूसरी मेरे पास न्यूज़ है हॉकी के हवाले से, पाकिस्तान का कौमी खेल, बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है। काफ़ी अरसे के बाद स्माइल्स होंगी हमारे चेहरे पर, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के चेहरे पर। हॉकी के हवाले से न्यूज़ ये है, पाकिस्तान एज क्लोजर टू द फाइनल ऑफ द ऑन गोइंग सुल्तान अजलान शाह कप 2024 विद अ 5-4 विन ओवर कैनेडा ऑन वेडनेसडे इन आईपो मलेशिया। पाकिस्तान आर अनबीटन इन द इवेंट सो फार एंड आर एट द टॉप ऑफ द टेबल विद 10 पॉइंट्स आफ्टर 4 गेम्स। पाकिस्तान की टीम 4 मैचेस खेलने के बाद 10 पॉइंट्स के बाद नाकाबिले शिकस्त पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे है, और फाइनल में जाने के लिए बिल्कुल मजबूत उम्मीदवार बन गई है। हमारे पास आज की जो तीसरी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग फुटबॉल, और आप जानते हैं कि फुटबॉल में इस वक्त चैंपियन लीग जो है वो बड़े उरूज पे है, और चैंपियन लीग के हवाले से मेरे पास न्यूज़ ये हैं, बोरुशिया डॉर्टमुंड शोड देयर ग्रेट कंपोजर टू रीच देयर थर्ड चैंपियंस लीग फाइनल आफ्टर मैट्स हुमेल्स सेकेंड हाफ गोल अर्न द विजिटर्स एज 1-0 विक्ट्री अगेंस्ट मिसफायरिंग पेरिस सेन जर्मैन PSG ऑन ट्यूजडे फॉर अ डिजर्व 2-0 विन ऑन एग्रीगेट अक्रॉस बोथ लेग्स। हुमेल्स हेडेड होम फ्रॉम अ कॉर्नर 5 मिनट्स इन टू द सेकेंड हाफ टू सेंड द जर्मन क्लब हु वन द टाइटल इन 1997 इन टू दियर फर्स्ट फाइनल इन यूरोप्स टॉप क्लब कॉम्पिटिशन सिंस 2013। बोरुशिया डॉर्टमुंड को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोरुशिया डॉर्टमुंड। और जहां उनका मुकाबला होगा या तो रियल मैड्रिड के साथ या अपने ही मुल्क के जो उनका क्लब है सबसे बड़ा बायर्न म्यूनिख के साथ होगी, क्या ही मुकाबला होगा जिसमें दो जर्मन क्लब आमने सामने होंगे। तो चलिए इन जो न्यूज़ हैं इनके हवाले से डिटेल्स में बात करते हैं। पहली न्यूज़ मैंने आपको बताई थी मोहम्मद आमिर के हवाले से, मोहम्मद आमिर के वीज़ा का काफ़ी इशू बना हुआ है, एक हॉट टॉपिक सोशल मीडिया पे बना हुआ है, ना सिर्फ हॉट टॉपिक सोशल मीडिया पे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे भी मोहम्मद आमिर की क्या वजह है कि आयरलैंड का टूर मोहम्मद आमिर नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात कार फरमा है, इसके पीछे वो कौन सी चीज़ें हैं जो मोहम्मद आमिर का वीज़ा और टूर रोकने की इस वक्त वजह बनी हुई है। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको ओपनली मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं कि वो माजी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आड़े आ रही है। अगर वो वजह आप समझ गए होंगे, अगर उसकी वजह से मोहम्मद आमिर को टूर नहीं करने दिया जा रहा, तो वो तो इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड में मोहम्मद आमिर अपनी जो पूरी उसके बाद जो सजा व जजा था जो भी था वो काट चुके हैं। उसके बाद 2017 की चैंपियन ट्रॉफी आमिर खेल चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों को आउट किया था। अगर वो वजह है तो इस वजह की बिना पे तो फिर चैंपियन ट्रॉफी भी उनको नहीं खेलना चाहिए था। तो अगर इंग्लैंड जा सकते हैं जहां पे ये इशू हुआ, तो आयरलैंड तो एक डिफरेंट कंट्री है, वहां पे वीजा का इशू क्यों आ रहा है, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मैं मोहम्मद आमिर का बजाते खुद इतना बड़ा फैन नहीं था, ये सारी चीजें जब उस वक्त हुई थी 2011-12 में, उसके बाद से बहुत से पाकिस्तानियों की तरह हम भी चाहते थे कि अब मोहम्मद आमिर को वापस, लेकिन अब चूंकि इसके पीछे कोई तीसरी कुव्वत कारफरमा नजर आ रही है, मतलब ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारी चीजें क्लियर कर दी, अब आयरलैंड का टूर क्यों नहीं कर रहे जबकि इंग्लैंड भी जा सकते हैं, चैंपियन ट्रॉफी 2017 में खेल सकते हैं, पाकिस्तान को जिता भी सकते हैं,
वो तीसरी कुव्वत कौन सी है, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम सब पाकिस्तानियों को यह फर्ज है, चाहे आप मोहम्मद आमिर से प्यार करते हैं या नहीं, पाकिस्तान की खातिर, सब्ज झंडे की खातिर आपने मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करना है। यह सपोर्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की होगी और फिर पूरे पाकिस्तान की होगी। हम मोहम्मद आमिर के साथ खड़े हैं, आमिर को आयरलैंड जाना चाहिए। जो कुछ हुआ माजी में वो माजी का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त आईसीसी के ऊपर कुछ और भी दबाव अगर कहीं से डाला जा रहा है तो हम उसमें बिल्कुल भी उस कंट्री को कंडेम करेंगे। और जो तीसरी कुव्वत, तीसरा हाथ है, उसको इसमें से हट जाना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो डरे हुए हैं कि आमिर और शाहीन अगर इकट्ठे हो गए और हारिस रऊफ और नसीम शाह इकट्ठे हो गए तो फिर T20 वर्ल्ड कप तो ख्वाब ही बन के रह जाएगा बाकी टीमों के लिए, और खासकर उस एक मुल्क के लिए जिसकी मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। आप सब समझदार हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स में बताइए अगर आप समझ गए हैं और इसमें आपने 100% सपोर्ट करना है मोहम्मद आमिर को। मैं बाबर आजम की तरह, मैं भी मोहम्मद आमिर का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, हम उनके साथ खेले भी हैं, मेरे कितने इवेंट्स में मोहम्मद आमिर खेले, इज सच अ ग्रेट पर्सन। लेकिन जो कुछ माजी में हुआ, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब सब कुछ क्लियर हो गया, मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, आयरलैंड का टूर भी करना चाहिए, इंग्लैंड का भी, और वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए। ये थी आमिर की खबर। उसके बाद पाकिस्तान की हॉकी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दिन शुरू हो चुके हैं। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में आज के दिन, जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैनेडा को पाकिस्तान ने 5-4 से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। कांग्रेचुलेशंस हॉकी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, पाकिस्तान की हॉकी टीम को, कि वो जो पुराने दिन थे आज से 15-20-25-30 साल पहले, वो इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान की टीम दुनिया में हॉकी में दोबारा अपना लोहा मनवाएगी। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जो कि मुश्किल नहीं है, और उसके बाद फाइनल जीतना भी होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। गुड लक टू पाकिस्तान हॉकी टीम। तीसरी और सबसे बड़ी बात है फुटबॉल की, UCL UEFA चैंपियंस लीग, बोरुशिया डॉर्टमुंड कांग्रेचुलेशन, जिन्होंने PSG को पहले अपने घर में और फिर उनके घर में जाके शिकस्त दी। किलियान एम्बापे बहुत बड़ा नाम है, बड़ा क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा है, इतने बड़े खिलाड़ी एक गोल नहीं मार सके दोनों लेग्स में, तो खैर सिर्फ आप किसी एक प्लेयर को नहीं कह सकते, पूरे 11 के 11 अच्छे प्लेयर होते हैं, लेकिन एम्बापे पे चूंकि PSG चल रही है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि दो मैचेस में अपने घर में भी और घर से दूर भी एक भी गोल PSG की टीम ना कर सकी। बोरुशिया डॉर्टमुंड हैड क्वालिफाइड फॉर द UCL फाइनल, वेयर दे आर गोना मीट मे बी रियल मैड्रिड, मे बी बायर्न म्यूनिख, आज रात, यानी कि इट्स वेडनेसडे, आज रात को मिडनाइट में बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड का मैच होने जा रहा है। अगर रियल मैड्रिड जीता तो फाइनल में बोरुशिया डॉर्टमुंड का मुकाबला करेगा, और अगर बायर्न म्यूनिख जीत जाता है तो मेरी याददाश्त में नहीं है कि किसी एक मुल्क के दो क्लब UCL UEFA चैंपियन लीग के फाइनल में आमने सामने आए हों। आपकी इस हवाले से क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में स्पोर्ट्स राउंडअप विद काजी उजैर की आज की स्पेशल एपिसोड के साथ। हम आपसे इजाजत चाहेंगे, स्टे ट्यून्ड एट बैंक बॉक्स ऑनलाइन। थैंक यू।